गुड आफ्टरनून क्लास, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ऑफ हो ही गई होगी वो तो। चैप्टर नंबर 3 के ऑलमोस्ट सारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन पर, होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। हम लोग कौन कौन से ऐसे कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं। ऐसे 200 का नाम क्या था? ऐसे 210 का नाम क्या था? 230, 580, 505, 300, 320,
510 से शुरू करना है। अब देखो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं 510 पे। कल की क्लास में हम लोगों ने 505 पूरा किया था और 510 शुरू किया था। 505 में किसी को कोई डाउट घर से पढ़कर आए हो? कोई डाउट है 505 में? याद करने के लिए बोला ही नहीं मैंने किसी को। अब मैंने ये बोला है कि कोई डाउट है 505 में? कि डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में इसलिए लिखा है कि रिस्पांस मिलेगा या रिस्पांस नहीं मिलेगा। मिलेगा तो उस हिसाब से डिजाइन करोगे, नहीं मिलेगा तो अगर लगता है कि सामने वाली पार्टी रिस्पांस कम करती है, हमें पता नहीं चलता मन में क्या है, तो पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज दो। अगर सामने वाली पार्टी रिस्पांस करने में अच्छी है तो फिर नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। हम लोग फटाफट से 510 जो हम कल पढ़ रहे थे पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसे शुरू करते हैं आगे का। हम लोगों ने ऐसे शुरू कर रखा था 500, नाम क्या था? इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हमने याद करने की ट्रिक बनाई थी। 51 मतलब कोई नया काम करने के लिए कर रहे थे। इनिशियल, इनिशियल मतलब पहली बार। ये उन चीज़ों के लिए यूज हो रहा था जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो आज से पहले ऑडिटेड, मतलब उसकी ऑडिट फर्स्ट टाइम हो रही है, और या फिर अगर ऑडिट हो रही है हुई थी तो बाय प्रीडिसेसर, मतलब पुराने ऑडिटर ने करी थी, आपने ऑडिट हम लोगों ने देखा था। मोस्टली हमें इसके अंदर कौन से बैलेंसेस देखने थे, इसीलिए ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव में भी हमने ये देखा था कि हमें इसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है और चेक करके ओपनिंग बैलेंसेस के एमपी को देखना था, है ना। एम किसके लिए स्टैंड किया था? मटेरियल वर्ड के लिए। हमें प्रोसीजर लगा के ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो इतना ज़्यादा मटेरियल कि कहीं उसका इफ़ेक्ट जो है वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी तो। फिर हमने पी कहा था पॉलिसीज, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज ओपनिंग बैलेंसेज में यूज़ हुई थी क्या वही कॉन्स्टेंटली यूज़ हो रही है, और अगर चेंज हुई है तो क्या इसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या फिर नहीं है। हमने यहाँ पे देखा था ओपनिंग बैलेंस इस साल के, मतलब पिछले साल के, अगर पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस में गड़बड़ है तो इस साल के ओपनिंग बैलेंस, इस साल के ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी गड़बड़ होगी, यही देखा था। फिर हम लोगों ने इसमें कौन सा पॉइंट पूछा था, एक कि ज़्यादा प्रॉब्लम तब होगी जब पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ऑडिट, क्योंकि आपको नहीं पता पिछले साल के ऑडिटर ने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया, इसलिए आपको पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटेड थी और ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट, इन दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। इतनी सी बात देखी थी। फिर देखो हम लोगों ने आगे इसके अंदर क्या पढ़ा था, आगे के अंदर देखते हैं। हमारे पास ना इसमें तीन मैटर हैं। एक मैटर है कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने हैं, एक है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करनी है, एक आपको ये चीज़ चेक करनी है कि अगर पिछले साल के ऑडिटर ने आपका मॉडिफाई ओपिनियन दिया है
ऑडिटर हमारा मॉडिफाई ओपिनियन कब देता है? या तो आपके यहां पर मटेरियल या तो आप अगर आपके यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्या है अगर आपके यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें नॉट मैचिंग विद FRF, यही था मतलब। तो हम लोग मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं ऐसे केस में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, गलतियां हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करो, करेक्ट करो। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने या तो रेक्टिफाइंग एंट्री या तो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री करी होगी। अगर मैनेजमेंट ने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड, प्रायर मतलब पिछला पीरियड की एडजस्टिंग एंट्री कर रखी है, क्या कर रखी है, पिछले साल की एडजस्टिंग एंट्री अगर कर दी है अगर मैनेजमेंट ने, तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने ऑडिटर की मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट पर रिस्पॉन्स, तो वो गलती पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगी, जिसकी वजह से इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, तो मुझे इस साल भी ओपिनियन क्या देना पड़ेगा, जब भी मॉडिफाई ओपिनियन देते हैं रीज़न लिखना पड़ता है, और रीज़न में हम क्या लिखेंगे, पिछले साल से गलती चलते हुए आ रही है तो इस साल भी गलती। एग्जांपल, पिछले साल ना हमने देखा था, हम बोलते हैं स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, क्योंकि हम लोग हमेशा नुकसान को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। प्रूडेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव। तो फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड तो कॉस्ट पे किया लेकिन नेट रिलाइजेबल वैल्यू कम थी। ऑडिटर ने दिया मॉडिफाई ओपिनियन बिकॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, और ऑडिटर ने बोला मैंने मॉडिफाई ओपिनियन इस वजह से दिया है क्योंकि ऑडिटर मैनेजमेंट ने स्टॉक गलत लिखा हुआ था। तो क्या मैनेजमेंट को स्टॉक ठीक करना चाहिए था? हाँ, अगर मैनेजमेंट ने स्टॉक ठीक नहीं किया तो क्लोजिंग गलत, तो ओपनिंग स्टॉक गलत, ओपनिंग स्टॉक गलत तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक भी गलत, तो इस साल भी मेरा ओपिनियन मॉडिफाई। क्यों? क्योंकि पिछले साल की गलती चलते हुए आ रही थी। बात समझ में आई? तो हमने एक चीज़ को पढ़ा, वो एक चीज़ मैंने क्या कहा, हमें इसके अंदर तीन चीज़ों को देखना था। तीन चीज़ों में से एक चीज़ कौन सी थी हमारे पास में, एक चीज़ ये थी अगर पिछले साल ऑडिटर ने मॉडिफाई ओपिनियन दिया है तो हमारे पास में प्रीवियस ऑडिटर की मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। तो प्रीवियस ऑडिटर की मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट में हम लोगों ने प्रोसीजर क्या लगाएंगे और प्रोसीजर के बेसिस पर कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे। मैं प्रोसीजर ये लगाऊंगी कि ऑडिटर ने जिस रीज़न की वजह से मॉडिफाई ओपिनियन दिया, स्टॉक की वजह से दिया, तो क्या वो मैनेजमेंट ने अब कंसीडर किया है या हम, ये मेरा क्या बन गया, प्रोसीजर। कंक्लूजन क्या होगा, कंसीडर किया तो ठीक है, तो कौन सा ओपिनियन, अनमॉडिफाइड। कंसीडर नहीं किया तो एज पर SA 705। छोटी सी बात थी, बुक में पेज नंबर 57। ओके, ये वाली बात इतनी हमने पढ़ ली थी। फिर देखो ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, फिर देखा हमने ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर है प्रोसीजर रिगार्डिंग प्रीडिसेसर ऑडिटर्स
हमने ये वाला पॉइंट देखा अभी अभी, और मैंने क्या कहा, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए थे किसी दूसरे ऑडिटर ने और उसने मॉडिफिकेशन ओपिनियन दे रखा था, तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा, मतलब चेक करेगा क्या उसका कोई इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन ओपिनियन हो रहा हो, इवैल्यूएट करेगा इफेक्ट ऑफ मैटर्स जिसकी वजह से क्या आया था, मैंने देखा कौन से मैटर की वजह से आया था, स्टॉक की वजह से आया था, और फिर असेस करेगा उसका रिस्क ऑफ मटेरियल कौन से पीरियड पर, अगर उसे दिख रहा है करंट पीरियड पर भी इफेक्ट तो वो ओपिनियन कौन सा देगा, और अगर करंट पीरियड पे इफेक्ट नहीं आ रहा तो देखो हमारा कंक्लूजन क्या है, मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन प्रेडिसेसर ऑडिटर, अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर के ऑडिट ओपिनियन रिगार्डिंग प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहा था मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर्स ओपिनियन, वो मैटर आज भी क्या है, रिलेवेंट एंड मतलब उसको ठीक किया, तो ऑडिटर भी कौन सा ओपिनियन देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग टू SA 710 को एक बार होल्ड पर रखूँ, वो तो मैं अभी समझ में नहीं आएगा, क्लियर। हमने क्या बोला, मैंने देखा पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट कौन सा ओपिनियन था, तो मैंने मॉडिफाई का रीज़न देखा, रीज़न नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है, रीज़न में देखा उन्होंने लिखा स्टॉक गलत, तो मैं इवैल्यूएट करूँगी स्टॉक को, क्या स्टॉक का इफेक्ट आज भी है या अगर इफेक्ट है तो मेरा ओपिनियन भी, छोटी सी बात। तो इसमें पहले हमने क्या पढ़ा, प्रोसीजर, प्रोसीजर में पहले ऑडिट रिपोर्ट मांगी, ऑडिट रिपोर्ट में क्या देखा, ओपिनियन, फिर इवैल्यूएट किया मैटर को और इफेक्ट देखा करंट ईयर के फाइनेंशियल। तो हमने इसमें काम क्या क्या किया, देखो हमने इसमें काम ये किया कि सबसे पहले तो मैंने जो मेरा प्रीडिसेसर ऑडिटर था, उसकी क्या देखी, ऑडिट रिपोर्ट का उसका क्या देखा, ओपिनियन, ओपिनियन कौन सा दिया था, मॉडिफाई। इसके बेसिस पर मैंने इवैल्यूएट किया किसको, उस मैटर को जिसकी वजह से क्या था, मॉडिफाई ओपिनियन, मैटर जिसकी वजह से राइज हुआ था कौन सा ओपिनियन, मॉडिफाई ओपिनियन। फिर मैंने क्या किया, कंसीडर किया कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। कंक्लूजन में मैंने ये बोला कि अगर जो ये मैटर था वो मैटर अभी भी रेलेवेंट है और क्या है, मटेरियल है, ये मैटर अभी भी रेलेवेंट और मटेरियल है इन करंट ईयर फाइनेंशियल, तो ऑडिटर जो है वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन देगा, छोटी सी बात समझ में आ गई, पिछले साल स्टॉक गलत था, इस साल भी स्टॉक गलत है, पिछले साल मॉडिफाई ओपिनियन था, इस साल ही मॉडिफाई ओपिनियन घूमकर आ जाएगा। अब देखो दूसरी बात, हम लोग प्रोसीजर और कंक्लूजन लगाने जा रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए। अब आप प्रोसीजर लगाओगे, क्या देखोगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो पिछले AS1 क्या कहता था, AS1 ने कहा था अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए क्या बात बोली थी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल फॉलो हुई थी वो अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल भी फॉलो, अगर नहीं फॉलो हुई तो डिस्क्लोजर दो। ऑडिटर यही देखेगा कि ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी लग रही थी, फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस में बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन WDV पे चल रहा था, ओपनिंग बैलेंस में फिर इफेक्ट किसका आएगा, WDV, करंट ईयर के अंदर हम लोगों ने SLM लगा दिया, और फिर वो हम कैलकुलेट करते हैं ना प्रीवियस ईयर से जाकर, और PNL में उसका एडजस्टिंग इफेक्ट दिखाते हैं और डिस्क्लोजर में लिखेंगे, वो मैनेजमेंट ने नहीं किया, तो कौन सा ओपिनियन, क्योंकि करंट ईयर में जो आपका ओपनिंग के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी चल रही थी वो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में थी, तो वही कंसिस्टेंटली क्या होनी चाहिए थी, फॉलो, मैनेजमेंट ने फॉलो, तो उसका इफेक्ट दिखाना चाहिए था, अगर इफेक्ट भी नहीं दिखाया तो ये मटेरियल
और मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते ही ओपिनियन क्लियर है। तो दूसरी चीज जो इसके अंदर आपको चेक करना है वो क्या चेक करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी इन ओपनिंग बैलेंसेस। क्या चेक कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी इन ओपनिंग बैलेंसेस। ऑडिटर यहाँ पर क्या लगाएगा, प्रोसीजर, प्रोसीजर से मिलेगा एविडेंस जिससे क्या बनाएगा, कंक्लूजन। ठीक है, अब ऑडिटर ने यहाँ पर क्या लगाया, प्रोसीजर। ऑडिटर के प्रोसीजर में क्या आएगा, सबसे पहले ऑडिटर कंसीडर करेगा किस चीज़ को, अकाउंटिंग पॉलिसी को। अकाउंटिंग पॉलिसी उसे कहाँ से पता चलेगी, पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्लोजिंग सॉरी डिस्क्लोजर्स में लिखा होगा। कंसीडर करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी, देखेगा क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली यूज हो रही है या फिर नॉट कंसिस्टेंटली। अगर कंसिस्टेंटली फॉलोड है तब तो काम खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड तो उसका इफेक्ट क्या है, क्या देखेगा, उसका इफेक्ट जो है वो डिस्क्लोज किया गया है या। अब बात यहाँ पे आ जाएगी ऑडिटर का कंक्लूजन। ऑडिटर देखेगा, अगर ऑडिटर बोलेगा कि अगर इसका इफेक्ट जो है वो डिस्क्लोज्ड है, क्या है, तो मेरा ओपिनियन क्या होगा, और अगर ये नॉट, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट फॉलोड एंड डिस्क्लोजर नॉट मेड, डिस्क्लोजर किया भी नहीं और पॉलिसी यूज की भी, तो ऐसे केस में ओपिनियन कौन सा ऐसे, यहाँ कौन सा ऐसे, सिंपल सी बात बोल दी। ये सब चीज़ें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले साल में गलतियाँ थी तो इस साल की इफेक्ट, और इस साल की ऑडिट मैं कर रहा हूँ तो सारा का सारा ही गलती किसकी कहलाएगी, क्योंकि ऑडिटर को हमेशा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने होते हैं। इवन पता है अगर हमारा क्लाइंट भी सेम है ना, तब भी हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस मैच करते हैं। तुम्हें एंट्रीज याद थोड़ी होगी, एक बात बताओ, तुम एक साल पहले किसी की ऑडिट कर कर आए थे, अगले साल फिर जा रहे हो, तो तुम्हें याद होगा इसका क्लोजिंग बैलेंस यही था, नहीं होता ना। इसलिए हम लोग अपने खुद की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी ना हमेशा चेक करते हैं कि ओपनिंग का क्लोजिंग सही है या नहीं, क्योंकि इस केस में फ्रॉड के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट को पता है कि ऑडिटर ओपनिंग चेक नहीं करता, और ऑडिटर को याद तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला कि पिछले साल इसका प्रॉफिट क्या था और इस साल इसने क्या दिखाया हुआ है, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक क्या था, पिछले साल चीज़ें क्या थी, हमें नहीं याद होती। सिर्फ एक कंपनी की ऑडिट नहीं करो, और एक की भी करो तो तब भी याद नहीं रहते। इसलिए ये चीज़ चेक करना तो कंपलसरी हर जगह है। हम जो मैनेजमेंट को गलतियां बता के जाते हैं, हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ने उन्हें ठीक किया है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं ठीक किया, मैंने तो बता दिया, तो मेरा ओपिनियन गलत हो गया, तो पब्लिक इमेज मैनेजमेंट की नहीं तुम्हारी ख़राब होगी, क्योंकि ऑडिटर कौन, साइन किसका, पहले तो इतना कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अभी तुम लोग न्यूज़ वगैरह में बोला था ना, न्यूज़ वगैरह देखी होगी, लाइसेंस वगैरह ले लिया बहुत सारे सीए का, जयपुर में भी 3-4 सीए थे। हाँ ना, न्यूज़ में देखा होगा, गूगल में तुम लोग कभी न्यूज़ नहीं देखते क्या, अपने फ़ोन में भी चलते फिरते हैं। जयपुर से भी कम से कम 3-4 सीए का लाइसेंस कैंसिल किया गया है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के नाम पर। यही कि आपने बोल दिया हमने ऑडिट अच्छे से करिए, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक की, डॉक्यूमेंट्स बना नहीं रखे किसी भी चीज़ के,
तो ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये चीज़ दिखाता है आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, आप प्रूफ कहाँ से करोगे काम ढंग से किया ही नहीं किया। आपने ऐसे 230 को ब्रीच कर दिया, और स्टैंडर्ड को ब्रीच करने से आपसे आपका लाइसेंस छीना जा सकता है, छीनते तो क्या सस्पेंड कर देते हैं कुछ सालों के लिए, कि 6 महीने के लिए आप ऑडिट नहीं कर सकते, 1 साल के लिए आप ऑडिट नहीं कर सकते, सस्पेंड कर देते हैं। सीए कुछ नहीं करेगा, 6 महीने रेस्ट करेगा, नो वर्क, फिर वो खाना बनाएगा घर में, एंजॉय करेगा, जो पैसे कमाए हैं उनकी मौज लेगा। देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है इसी बिजनेस में है, खाने पीने के कॉस्टिंग इतनी नहीं होती जितना चार्ज होता है। एक प्लेट पनीर का रेट ही देख लो, लेने जाओ 250, इतने मतलब पूरा घर खा सकता है, घर पे पनीर की सब्जी बन जाए तो सोचो मार्जिन कितना परसेंट है। तुम सोया चाप की सब्जी खा लेना बाहर जाके। तो अगर ये भी तुम्हारा फ्यूचर प्लान है तो बहुत अच्छा है। हाँ प्रोटेस्ट किया था सीएस ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं लिटरली सबसे ज्यादा मार्जिन अगर किसी बिजनेस में है तो वो फूड सेक्टर में है। देखो क्या लिखा है प्रोसीजर के अंदर, क्लास ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट हो रही थी ओपनिंग बैलेंसेस में वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही थी करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अगर कोई चेंजेस हैं तो क्या उन चेंजेस को प्रॉपरली अकाउंट किया गया था और प्रेजेंट किया गया है और डिस्क्लोज किया गया एज पर एप्लीकेबल FRF, मतलब एज पर AS एप्लीकेबल FRF कौन सा है यहाँ पे AS1, क्या उसके अकॉर्डिंग काम आपने किया है या नहीं। ये तो मेरा क्या था प्रोसीजर, इस प्रोसीजर का रिजल्ट क्या आया होगा, कंक्लूजन कहाँ लिख के दिया है, ये लिख के दिया। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो करंट ईयर के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी वो कंसिस्टेंटली फॉलोड जो ओपनिंग बैलेंस में थी और जो चेंजेस थे उनको प्रॉपरली डिस्क्लोज, तो ओपिनियन क्वालिफाई या फिर एडवर्स कब दूंगे, जब परवेसिव होगा एज पर SA 705। ब्रैकेट में रिवाइज्ड का मतलब क्या है, इसमें अमेंडमेंट्स आई थी, जब कोई AS में कोई अमेंडमेंट आती है तो इसके अंदर आदत है लोग आगे ब्रैकेट में रिवाइज्ड लिख देते हैं कि ये नया चेंज किया गया है, चलता ही जाता है परमानेंट हो जाता है, फिर रिवाइज किया गया कॉमा डाल के और रिवाइज लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो क्लास, हमने कहा था 3 चीज़ें चेक हो रही थी, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट चेक कर दी, अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर दी, अब सबसे बड़ा मैटर वो क्या है ओपनिंग बैलेंसेस। पेपर में अगर 510 से क्वेश्चन आएगा तो ओपनिंग बैलेंस का ही आएगा, ऐसा इसलिए अगर छोटे मोटा आया तो इसमें से पूछ सकते हैं वैसे दो भी, लेकिन आज तक जो देखा गया है वो अकाउंटिंग बैलेंसेस का ही देखा गया है कि एज अ ऑडिटर आप कैसे चेक करोगे कि अकाउंटिंग बैलेंसेस ठीक है या नहीं है, बताओ। इवन तुम्हें क्या क्या बताया था, क्या क्या देखोगे अकाउंटिंग बैलेंसेस के लिए, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे और ऑडिट रिपोर्ट देखोगे, फिर देखोगे सही अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया गया है या नहीं, मतलब CD को ही BD लिखा है या नहीं, इस चीज़ को देखोगे, फिर आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, देखोगे प्रोसीजर ठीक है या नहीं। अब देखो इसी बात को इन्होंने कैसे लिखा है, ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस क्या बोला है, ऑडिटर सबसे पहले रीड करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्ट रिसेंट मतलब पिछला साल, सबसे रिसेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है अभी हमारा, वो चल रहा है
ठीक है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं, अगर कोई है और पिछले वाले ऑडिटर की ऑडिट उनके ऊपर क्या है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है किसके लिए ओपनिंग। तो पहले पॉइंट में हमने बोला है कि मैं रीड करूंगी दो चीज़ें, और वो दो चीज़ें क्या हैं, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो मुझे रीड करना है प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर के, पहला पॉइंट यही कह रहा है आपको रीड करनी है दो चीज़ें, और वो दो चीज़ें क्या हैं, पिछले साल। ये रीड करके तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं, कि पिछले साल का करंट ईयर में सही कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं। ये रीड करने से ऑडिटर ऑब्टेन करेगा एविडेंस अबाउट वेदर ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन, क्योंकि ये रीड करके वो डिटरमाइन करेगा क्या पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड करंट ईयर में किए हैं या नहीं। और अगर किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी तो वो एडजस्टमेंट किया गया या नहीं। एडजस्टमेंट मतलब क्लोजिंग एंट्रीज की, उसके अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से, मॉडिफिकेशन की वजह से भी हो सकता है। जो ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे अकाउंटिंग पॉलिसी, वो भी अप्रोप्रिएटली अप्लाई करी गई है या नहीं। और लास्ट पॉइंट, परफॉर्म करोगे इनमें से किसी एक चीज़ को, देखो क्या लिखा है, जहाँ पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थे, आप कॉपीज देखोगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इवेलुएट करोगे कि तुम जो प्रोसीजर लगा रहे हो वो आपको एविडेंस देगा या, और फिर परफॉर्म करोगे प्रोसीजर को। इवेलुएट क्यों, मतलब तुम ये देखोगे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, तुमने देखा इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस ये है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ये लिखा हुआ है, तो मैं ऑडिट प्रोसीजर जो लगाया है इससे मुझे एविडेंस मिल गया। अब तुमने देखा ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस अलग है, जो प्रोसीजर लगाया उससे एविडेंस, तो कुछ और काम करोगे। तो पहले तुमने क्या देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, फिर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए नहीं बोला, पहले इवेलुएट करो कि तुम जो प्रोसीजर लगा रहे हो उससे एविडेंस मिलेगा या, और अगर मिलेगा तब परफॉर्म करो ऑडिट ताकि तुम्हें एविडेंस, ऐसा तो नहीं बेमतलब में टाइम वेस्ट होगा। वरना देखो इसने क्या बोला, सबसे पहले तुम्हें रीड करनी है पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल, इससे तुम्हें ऑब्टेन होंगे एविडेंसेस, एविडेंसेस से तुम्हें ये पता चलेगा क्या सही बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया या क्या सही अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करी या फिर परफॉर्म करने हैं नीचे लिखी हुई बहुत सारी बातों को। एक कोई बात तुम्हें ये देखना है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से देखो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर देखो तुम जो प्रोसीजर लगा रहे हो वो एडिक्वेट है या, अगर है तो उसको क्या कर दो, अप्लाई कर दो। बात समझ में आई? तो इन्होंने मुझे यहाँ पर जो बात बोली वो क्या बोली, इन्होंने मुझे बोला कि अगर आप पिछले साल के किसको लगा अप्लाई कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना चाहते हो, तो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने के लिए तुम्हें जो प्रोसीजर लगाना है, सबसे पहले तुम्हें रीड करने हैं पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को, इसको रीड करके तुम ऑब्टेन करोगे किस चीज़ को, एविडेंस। एविडेंस किस चीज़ के बारे में, कि जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस सीडी था वो बिल्कुल सही तरीके से ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया या। सेकंड पॉइंट, जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो तुम्हारे ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं। और फिर इन्होंने बोला आपको अदर प्रोसीजर लगाने हैं, अदर में तुम्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए बोला है, फिर बोला है इसके बेसिस पर इवेलुएट करो तुम जो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो वो ठीक है या। क्यों लगाते हैं प्रोसीजर हम, ताकि मुझे क्या मिले, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, और अगर वो ठीक है तो परफॉर्म कर दो क्या चीज़, ऑडिट, ताकि तुम ऑब्टेन कर सको किस चीज़ को, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। बुक में लिखी हुई बात समझ में आई? अब तुम कंक्लूजन में क्या बताओगे, ओपनिंग बैलेंसेस सही कैरी फॉरवर्ड है या नहीं, ओपनिंग बैलेंस में अकाउंटिंग पॉलिसी सही है या, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो अनमॉडिफाई, गलतियां मिली तो मॉडिफाई होती है।
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ऑडिटर रीड करनी है। समझ में आई बात? लॉजिक समझ में आया? क्यों चेक करना है ओपनिंग को? अब देखो तुम्हारे पास में इसका कंक्लूजन क्या बोला है। ये लिखा कंक्लूजन, अगर ऑडिटर ऑप्टेन अनेबल टू ऑप्टेन एविडेंस है, ऑडिटर को कोई एविडेंस कि बैलेंसेस सही है या, तो वो क्वालिफाई और डिस्क्लेमर ओपिनियन देगा एज पर एसएस 700। और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में क्या है और जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज, तो क्वालिफाई या फिर एज पर एसएस 700। अगर एक या दो ओपनिंग बैलेंसेस गलत है तो खाली क्वालिफाई, बहुत सारे ओपनिंग बैलेंसेस गलत है तो एडवर्स। समझ में आ गई? पक्का? एक बार फटाफट से पूरे एसे को ऊपर ऊपर से गो थ्रू करो, क्या लिखा हुआ है, कहीं से भी कर लो। ये एक एक घंटे वाला सिनेरियो ठीक चल रहा है तुम्हारा? तुम्हें दो घंटे भी लंबे लग रहे थे, तुम्हें एक घंटे भी दो लग रहे हैं। क्यों सर, चाय पीने के अगेंस्ट है तुम्हारे? चलो फटाफट से रीड कर लो। कोई डाउट आए तो पूछ लेना। मतलब उसी चीज़ को बोला कि ऑडिटेड भी है तो वो भी पढ़ लो, पहले भी वही पढ़ रहे थे लेकिन बोला कि ये प्रोसीजर लगाना है। मॉडिफाई क्वालिफाई डिस्क्लेमर, मॉडिफाई क्वालिफाई एक बात है, एडवर्स डिस्क्लेमर सिचुएशन अलग है। मॉडिफाई या क्वालिफाई हम तब बोलते हैं जब सिर्फ मटेरियल है, और मटेरियल प्लस परवेसिव अगर हो गया और मिस स्टेटमेंट है तो एडवर्स, मटेरियल प्लस परवेसिव है और अनेबल टू ऑब्टेन हो तो डिस्क्लेमर। Any doubt? Thank you.
इतना ही करेंगे, तो डाउट का वेट कर रही हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ एनी डाउट। ओपनिंग बैलेंस का कंक्लूजन मैंने ये लिया कि अगर मैंने प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर लगा के मुझे ये दिख रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है, इसका मुझे एविडेंस मिल गया, या फिर ओपनिंग बैलेंसेज में यूज़ होने वाली अकाउंटिंग पॉलिसी क्लोजिंग बैलेंस में यूज़ नहीं हुई है, तो ओपिनियन कौन सा दूंगी मैं, मॉडिफाई या फिर एडवर्स, कि मुझे एविडेंस मिल गया। अगर ये सब रीड करने के बाद भी मुझे कोई एविडेंस, तो मैं अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस हो गई। लास्ट में लिखा था, आ गया, हाँ कि हम ऑडिट ना करें उसकी, हाँ हाँ तो हम देखेंगे उन्होंने गड़बड़ ठीक करी या नहीं करी। ये ऐसे बेसिकली हम एंगेजमेंट से पहले नहीं, हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कोई काम करते नहीं हैं। जब तक तुम ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगे, तब तक तुम इतना काम करोगे क्यों, करने का फ़ायदा क्या है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग ना। तो ऑडिटर ने किसी ने रीज़न तो लिखा होगा उसने क्यों दिया है। हम जब भी मॉडिफाई ओपिनियन देंगे तो ऑडिट रिपोर्ट में रीज़न देते हैं, और बिना रीजन के तो दिया नहीं होगा। अब वो मैनेजमेंट के ऊपर है, इसलिए मॉडिफाई ओपिनियन की रिपोर्ट्स बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों मिलकर पहले से ही चीजों को सॉर्ट कर लेते हैं। हाँ तभी मैंने कई जगह बोला, अगर प्रॉब्लम है तभी वो कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट, तब जाके हम मॉडिफाई ओपिनियन देते हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं करता, कि मैनेजमेंट को भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिट रिपोर्ट अच्छी चाहिए, वरना कंपनी की इमेज मार्केट में ख़राब हो जाएगी अगर मॉडिफाई ओपिनियन आएगा तो। ऑनलाइन क्लास, मैम ऑडिट रिपोर्ट प्रैक्टिकली कैसी होती है, मतलब कहाँ सबमिट, ऑडिट रिपोर्ट कहीं सबमिट नहीं होती, ऑडिट रिपोर्ट एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स को दिखाई जाती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर तुम लोग लोन वगैरह लेते हो तो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में बैंक वाले मांग लेते हैं, नो प्लेस टू सबमिट। प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है, चैप्टर 11 में इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, एक नॉर्मल लेटर की तरह होता है और कुछ खास नहीं होता। पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो कोई भी देख सकता है ना। ये देख ऐसी दिखती है ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली। ये रही ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे लिखा होता है ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी। ये रिपोर्ट बेसिकली स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर है, कौन सी कंपनी, कौन सा डेट, ओपिनियन क्या दे रहे हैं, बेसिस क्या है उस ओपिनियन के, इस तरीके से बनती हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में। कौन से इम्पॉर्टेंट मैटर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लास्ट में हम ये लिखते हैं कौन से डेट पर साइन की जाती है। हम बोलते हैं ना ऑडिट रिपोर्ट की डेट, तो वो ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट हम लोग बोलते हैं, वो डेट यहाँ से बोलते हैं हम, जिस डेट पर उसे साइन किया गया है। क्लास ओवर करें फिर, ऑनलाइन क्लास।